ओम शांति। सभी भाई बहनों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सतगुरु परमात्मा के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने का सुंदर अवसर है। दुनिया में भी कहा जाता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना सदगति नहीं। तो परमात्मा जब इस संसार के अंदर अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित होते हैं, तो विशेष उनका तीन स्वरूप होता है। पहला स्वरूप है सत्य पिता का स्वरूप, दूसरा स्वरूप है सत्य शिक्षक का स्वरूप, और तीसरा स्वरूप है सतगुरु का स्वरूप। सत्य माता पिता के रूप में वो सुंदर अलौकिक पालना करते हैं, श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन करते हैं। सत शिक्षक बनकर हमें श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ाते हैं, और सतगुरु बनकर हमारे जीवन में यह आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए अज्ञानता का अंधकार समाप्त करते हैं और उस श्रेष्ठ दिशा की ओर संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कर सके वो राह बताते हैं। इसीलिए यादगार दिन में भी कहा जाता है गुरु पूर्णिमा, अर्थात जो सतगुरु हमें संपूर्णता की मंजिल पर ले जाने वाला सत्य मार्ग बताते हैं, पुरुषार्थ करवाते हैं। तो इसीलिए ऐसे सत्य सतगुरु के रूप में जो परमात्मा ने आकर के हमें ज्ञान दिया, उस ज्ञान की जब धारणा जीवन में करते हैं तो ज्ञान से ही आत्मा सशक्त बनती है और अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर सकती है। साथ ही साथ कहा जाता है कि वो सत्य गुरु सतगुरु आकर के हम सभी को सद्बुद्धि देते हैं, क्योंकि वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो ऐसी सद्बुद्धि सत्य श्रीमत देते हैं, जिस श्रीमत से ही हम अपने जीवन को एक बहुत सुंदर संपन्न संपूर्णता की ओर सहजता से ले जा सकते हैं। अनेक प्रकार के भ्रम दूर होते हैं और ज्ञान के प्रकाश से मार्ग सरल सहज हो जाता है, जिस ज्ञान के आधार से ही श्रेष्ठ गति को सहज प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए दुनिया में लोग कहते हैं कि हे प्रभु, इस आत्मा को सुमत देना। तो सतगुरु बनकर के परमात्मा हम सभी को वो श्रेष्ठ मत देते हैं जिससे हमारी बुद्धि का परिवर्तन होता है, अनेक प्रकार की कमजोरियां समाप्त होती है और हम अपने जीवन को जो परमात्मा की चाहना है ऐसे सहजता से बना सकते हैं। तो आज के इस शुभ दिवस की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।